फाल्गुन माह की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत ही कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, वैसे ही नरसिंह देव भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जहाँ नरसिंह भगवान बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों, होलिका दहन प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाकर उसके अंदर घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती है। इसीलिए आप भी होली के त्योहार में अपने घर के सामने होली अवश्य जलाइए, किंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो होली का दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहले जानते हैं होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक ही पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों में इसका उल्लेख पाया जाता है कि यदि आपका एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि जलानी नहीं चाहिए और होली के दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए। यह आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायक माना जाता है। एक से अधिक पुत्र की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है वो होलिका दहन कर सकते हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना हो सके उतना ढक करके रखना चाहिए। इसका उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि होलिका दहन के दिन टोने टोट के कांड जैसी बुरी चीजें चरम सीमा पर की जाती है। हो सकता है आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो। बालों को खोलकर रखने से ये शक्तियाँ जल्दी आपसे आकर्षित हो जाती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने केश बांधकर या ढककर रखने चाहिए। तीसरा काम, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में देना नहीं चाहिए, अन्यथा सदैव आपके घर से धन की हानि होती रहेगी। होलिका दहन के दिन गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। चौथी बात, माता का अपमान करना। होलिका दहन के दिन अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को अपने माता के लिए कुछ न कुछ अवश्य भेंट लानी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्याएं हैं दूर हो जाती है। अब आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहले गेहूं और गुड़ से बनी मीठी रोटी, जिसे आप होलिका दहन पर अग्नि में भी सेक सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है और आशीर्वाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को मीठी रोटी का भोग करना चाहिए। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद माखन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, काले चने। जी हाँ, इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनि देव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है, उसके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय दूध, दही, घी, शहद और तुलसी से बना हुआ पंचामृत है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों की होली खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान को भोग लगाकर सारे सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे आपके जीवन में वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक सेवन करना नहीं चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से बचें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप गाय के गोबर के उपलों से बनी होलिका का दहन अवश्य करें। गोबर के उपलों का दहन करने से आपके घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही गाय के गोबर में इतनी शक्ति होती है कि सभी प्रकार के रोग और बीमारियों का नाश हो जाता है। होलिका की अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और घर को पवित्र बना देती है। इसीलिए आप होली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें डालकर अपने घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त कर सकते हैं।
आपके घर के बाहर लटका हुआ नींबू मिर्च निकालकर होली की अग्नि में भस्म करें और नया नींबू मिर्च लटका दें। इससे आपके घर पर लगी हुई बुरी नजर और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में होली के दिन दान करने का महत्व बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, तो आप होली के दिन इन चीजों का दान अवश्य करें। इसके साथ ही शास्त्रों में ऐसी चीजों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें होली के दिन कभी दूसरों को दान में नहीं देना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और किन चीजों का दान करना शुभ होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में ना दें और ना ही किसी से पैसे उधार में लें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। होली के पर्व के दिन इन चीजों का दान करने से बचें। पहली चीज, किताबें। होलिका दहन के दिन किताबों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि किताबों में माँ सरस्वती का वास होता है। इस दिन अपने घर में रखी पुरानी किताबें दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए क्योंकि क्या पता वो लोग आपकी किताबों को होली की अग्नि में जलाने के लिए ले जा रहे हों, इससे आपको ही पाप लग सकता है। दूसरी बात, तेल का दान। शास्त्रों में होलिका दहन के दिन उपयोग में किए गए तेल का दान करना भी अशुभ माना गया है। इसीलिए कोई इस तेल का उपयोग पूजा के स्थान पर दिया लगाने के लिए भी कर सकता है। दोस्तों, उपयोग किए गए तेल का दान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा करने से बचें। तीसरी बात, पुराने वस्त्र। वैसे वस्त्र दान करना बहुत ही लाभदायी माना गया है, किंतु होलिका दहन के दिन इस्तेमाल किए गए वस्त्र का दान करना अशुभ माना गया है क्योंकि कोई भी आपके वस्त्रों का उपयोग टोना टोटका या तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी कर सकता है। इसके साथ ही पुराने वस्त्र दान करने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए अपने इस्तेमाल किए गए वस्त्र होली के दिन भूल से भी दान ना करें। चौथी बात, स्टील के बर्तन। होली के पर्व पर स्टील के बर्तन का दान करना भी अशुभ माना गया है। इससे समृद्धि और भाग्य में कमी आती है और घर में अशांति बनी रहती है। तो आइए अब जान लेते हैं होली के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। पहली बात, इस दिन गुड़ का दान अवश्य करें। गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति के रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। दूसरी बात, होली के दिन किसी किन्नर को लाल वस्त्र दान अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और विवाह संबंधित परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। तीसरी बात, होली के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन गौ माता को मीठी रोटी खिलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ कामधेनु के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथी बात, होली के दिन तांबे का कोई भी बर्तन या वस्तु दान अवश्य करें। तांबा दान करने से व्यक्ति के रोग और बीमारियों से रक्षा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप इन चीजों का दान करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर ले। 8 बजे के बाद स्नान करने से होलिका पूजा का फल आपको नहीं मिलता। होलिका की अग्नि में कभी भी आपको पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, आपको जटा वाला सूखा नारियल चढ़ाना चाहिए। होलिका की अग्नि में एक बड़कुल्ले की माला ना चढ़ाएं, 4 माला चढ़ाइए। एक माला पितरों की, एक हनुमान जी की, एक शीतला माता की और एक होलिका पूजा की जो माला आप तैयार करते हैं। इस दिन कुछ लोग टोटके के रूप में बाल काटकर होलिका अग्नि में डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे कृष्ण। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।